नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट परदेशी भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की अपडेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं जहां पर करंट अपडेट, डेटशीट, सर्कुलर नोटिस और एडमिशन अपडेट्स के लिए। तो आप लोगों को बता दें कि इस समय की रात को डेली हम एक वीडियो डालते हैं ताकि इस समय की करंट अपडेट्स, जहाँ जो आने वाली अपडेट्स होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना, आपको मोटिवेट भी हम लगातार करते रहते हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की थर्ड और फिफ्थ सेम की एडमिशन कब होगी, ये काफ़ी बच्चों के डाउट्स है। फिलहाल अभी आप लोग फोकस करें अपने एग्ज़ाम पर, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे फोर्थ सेम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल भी बच्चों का एग्ज़ाम है संस्कृत, काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है फोर्थ सेम रेगुलर और प्राइवेट्स का, 10 बजे टाइमिंग है, सभी बच्चों को हमने बता दिया। उधर बात करें सिक्स सेमेस्टर के, तो सिक्स सेमेस्टर के कुछ एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन हो गए थे और 14 तारीख से सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोबारा से शुरू होने वाले हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों का सेकंड सेम है, सेकंड सेम के भी एग्ज़ाम 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं उसका टाइम क्या है, तो वो डेट शीट्स पर दिया होता है, टाइम वगैरह वही सेम रहेगा। तो ये आप लोगों को हमने अपकमिंग अपडेट्स बता दी जो अभी चल रही है, करंट अपडेट जो चल रही है। बाकी एक और चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर्स के रीवेल और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं प्राइवेट वालों के, और थर्ड सेम के भी एग्जामिनेशन और रीवेल जो है वो फिल हो रहे हैं। हम बात करेंगे एडमिशन्स के बारे में भी, थर्ड और फर्स्ट सेम का रीवेल और एग्जामिनेशन फॉर्म जिस बच्चे ने फिल करवाना है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, तो 9682356511 पे मैसेज कर सकते हैं, 9682305611 पर मैसेज करके ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाएं लास्ट डेट से पहले। रिजल्ट जब आता है, जिस तारीख को रिजल्ट आता है, 15 दिन के अंदर एग्जामिनेशन की लास्ट डेट होती है और 10 दिन के अंदर रीवेल की लास्ट डेट होती है। आप लोग खुद काउंट कर लेना कि फर्स्ट सेम का रिजल्ट कितनी तारीख को आया था और थर्ड सेम का कितनी तारीख को। ये होगी 2 मिनट्स में इस समय की करंट अपडेट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आने वाली अपडेट्स कौन सी है, और करंट थोड़ी सी और बता दें, फिफ्थ सेम प्राइवेट के डेटशीट्स भी आ गई है। फिफ्थ सेम प्राइवेट सप्ली के एग्ज़ाम 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, पहले वाले 4 एग्ज़ाम पोस्टपोन है। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि जिन बच्चों के पास डेट शीट्स वगैरह नहीं है जरूर बताना। बीएड के भी जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उधर आप लोगों को बता दें कि यहां पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। डेट शीट्स की बात करें तो सेकंड सेम नॉन सीपीसीएस की डेट शीट्स भी आ गई है, और आप लोगों के फोर्थ सेम नॉन सीपीसीएस और सिक्स सेम डेट अपकमिंग अपडेट्स की बात करें जो अभी आने वाले हैं, तो अभी आने वाली जो है आप लोगों की फोर्थ सेम नॉन सीपीसीएस की डेट शीट, सिक्स सेम नॉन सीपीसीएस की डेट शीट 2 हो गई। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट सेम प्राइवेट्स का रिजल्ट जो है उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास आ सकता है। सेकंड सेम प्राइवेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका रिजल्ट भी आप लोगों का अगस्त के आसपास ही आने की उम्मीद है। बाकी आपको बता दें कि एमए की एडमिशन कब होगी डिस्टेंस में, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर की एडमिशन और बीएड की एडमिशन सीयूईटी इंट्रेंस टेस्ट के बेस पर है। जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, सीयूईटी इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, अभी भी इंट्रेंस टेस्ट चलेगा कुछ दिन, और जिन बच्चों के कॉल लेटर नहीं आए उनके आ जाएंगे, 13 के बाद दोबारा से नोटिस आएगा। बट आपको बता दें कि जे अभी इंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, इसके रिजल्ट जुलाई में देखने को मिलेंगे, जुलाई अगस्त तक काउंसलिंग होगी, उसके बाद रेगुलर आपकी क्लासेस वगैरह लगेगी। डिस्टेंस की बात करें तो अभी सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं, सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद उनका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद दोबारा पेपर होंगे। तो एमए की एडमिशन जो है वो लॉन्ग चलती है, लंबी तक चलेगी। एमए की एडमिशन आपकी अगस्त और सितंबर तक चलेगी, तब तक शायद आप लोगों को सेकंड सेम प्राइवेट्स का रिजल्ट आ जाए, फर्स्ट सेम प्राइवेट्स का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। बट आपको बता दें कि जो अभी आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम रीवेल और एग्जामिनेशन, इनके रीवेल के रिजल्ट आपको एमए की एडमिशन से पहले देखने को मिल सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ सेम की एडमिशन से पहले भी आप लोगों को रीवेल के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट आपको बता दें कि थर्ड और फिफ्थ सेम के एग्जाम जो होंगे वो अक्टूबर के बाद होने की उम्मीद है। बाकी थर्ड और फिफ्थ सेम की एडमिशंस भी आप लोगों की अगस्त सितंबर तक कंटिन्यू चलेगी लेट फीस के हिसाब से। अभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन जैसे आएंगे आप लोगों को हम बता देंगे। कोई भी अपडेट्स हमसे मिस हुई होगी जरूर बताना। बाकी और कोई जानकारी चाहिए किसी स्टूडेंट्स को, हमारे इंस्टा आई डी जेके स्टूडेंट परदेशी 08 के नाम से जरूर फॉलो करें।